दिनांक 23/11/21 को तीन नामालूम नौजवान लड़कों ने गोलियां बरसाकर श्याम सुंदर बंसल व्यापारी की हत्या कर दी थी। वह उनके भतीजे हनी बंसल को भी इस वारदात में गोली लगी थी। तो इसके पश्चात पुलिस ने हनी बंसल के बयान पर बलजीत पोखरी खेड़ी धर्मेंद्र व 10 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। तो इस मामले में जींद पुलिस को कल एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो नामजद आरोपी धर्मेंद्र, जो कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से इस हत्याकांड में इन्वॉल्व था, कल हम उसको दिल्ली पुलिस की रोहिणी अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। आज हमने उसको इलाका मजिस्ट्रेट के जींद में पेश करके और 10 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया है। इस दौरान हम उससे मुकदमा की वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ करेंगे। जो शूटर्स थे उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जो अन्य आरोपी हैं बलजीत पोखरी खेड़ी वगैरह, उनके ठिकानों पर रेड कर और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, अभी प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें उसने स्वीकार किया है कि वो इसमें शामिल था और उसकी योजना में बलजीत पोखरी खेड़ी के साथ वो शामिल रहा है। क्यों मारा था सर? अभी जो मुख्य उद्देश्य है वो तो कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान जो पूछताछ होगी 10 दिन तक, गहराई से हम उससे पूछताछ करेंगे, उसके पश्चात ही सामने आएगा। अभी हमारे पास जो मुख्य आरोपी वह नरेश पोखरी खेड़ी 4 दिन के रिमांड पे हैं और धर्मेंद्र जो है आज हमने पेश किया है वो हमारे पास 10 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर हैं और इस दौरान उससे गहराई से पूछताछ की जाएगी और जो मुख्य उद्देश्य है वो तब सामने आएगा। जो अन्य आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए हमारी पुलिस CIA की टीम लगी हुई है, वो बाहर है और उनके पीछे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो आरोपी धर्मेंद्र है, जो ये प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में शामिल है, इससे उनके पत्ते के बारे में, उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उनसे फिर उनके ठिकानों पर रेड करके और उनको गिरफ्तार किया जाएगा या गिरफ्तार पेश होने के लिए हम उनको मजबूर कर देंगे। अभी इतनी पूछताछ इससे नहीं हो पाई है, कल रात को ही लेके आए थे और आज रात दिन में 1 बजे तक इसको पेश करना था और हमने इसको 12 बजे पेश कर दिया है। उसके पश्चात इससे पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही शूटर्स और वेपन्स के बारे में पता लगेगा कि कहां से लाए थे, किसने इसका प्रबंध किया था। सर, जींद पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा? ये जींद पुलिस का ही परिणाम है, जींद पुलिस के ही अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है और जींद पुलिस की कार्यशैली से ही ये बदमाश वहाँ पर पकड़ा गया है। इनके मन में ये भी डर था कि जींद पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है और वो वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम थी उन्होंने उसको काबू किया। सर, उसमें जो लाइव उन्होंने किया, जो जिस समय उन्होंने गिरफ्तारी दी अपनी दिल्ली पुलिस को, जो वीडियो लाइव कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा जाएगा? उनको भी जांच में शामिल किया? ये जो मामला है ये दिल्ली पुलिस का है, हमारे अधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। अगर ये जांच का विषय है तो वो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। हमें हमारा जो अपराधी था वो मिल गया है और हमारा काम जो है मुकदमा से रिलेटेड जो पहलू हैं उनकी तफ्तीश करना है। उस संबंध में दिल्ली पुलिस जानती क्या करना। उन्होंने इनाम भी रखा था इस पर, 2 लाख रुपये का, बिल्कुल 2 लाख रुपये का इनाम था और बलजीत पोखरी खेड़ी जो अभी वांछित है, भागा हुआ है, उसके ऊपर भी 2 लाख रुपये का इनाम है। जो भी व्यक्ति, जो भी एजेंसी इसको पकड़ेगी तो हरियाणा पुलिस की तरफ से उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और जो पकड़ाने वाला है या जो उसके संबंध में जो सूचना देगा उसका नाम भी हम गुप्त रखेंगे। धन्यवाद सर। ओके। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ, जो वीडियो वायरल हुआ उससे वी आर नॉट कनेक्टेड, हमारा संबंध नहीं है। अगर वो वीडियो वायरल हुआ है तो दिल्ली के तो
हाँ गिरफ्तारी, वो वीडियो मैंने भी देखा, उसमें दिल्ली पुलिस के कुछ सिविल में कुछ अधिकारी हैं और वो उसको पकड़कर गाड़ी में बिठा कर लेके गए हैं। लेकिन हमारा संबंध आरोपी की गिरफ्तारी से है तो हम उतनी ही बात करेंगे जितना हमारा संबंध है, उससे बाहर हम बात भी नहीं कर सकते। हमने सिर्फ ये देखा है जब दिल्ली पुलिस वाले जो सिविल में जो कर्मचारी हैं वो उसको पकड़ कर लेके जा रहे हैं, उसके पीछे कौन है, कितने आदमी हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे उनको, न ही हमें उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। अगर वो अगर ऐसा कुछ सस्पेक्टेड है भाई, इन्होंने उनकी मिलीभगत से वहाँ सरेंडर किया है या वो अरेस्ट हुआ है, ये जांच का विषय है और ये दिल्ली पुलिस का या उच्च अधिकारियों का मामला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें आरोपी चाहिए था, आरोपी हमें मिल गया है। अगर उनको कोई डाउट है किसी बात का तो वो उनसे उच्च अधिकारियों से वहाँ बात करें, लेकिन हमारा मकसद आरोपी तक पहुंचना था, वो हम पहुंच चुके हैं और वो आज हमारे गिरफ्त में है। धन्यवाद।